उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ ने गोवर्धन के बस स्टैंड से सामने प्रदर्शित सीनियर तीरंदाजी का ट्रायल चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के करीब 50 जिलों से अलग अलग करीब 300 युवाओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाते हुए बेहतर निशाने लगाए और उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ के संयुक्त सचिव योगेंद्र राणा एवं ज्ञानेन्द्र सिंह राणा भाजपा नेता ने बताया कि गोवर्धन में प्रदर्शित सीनियर तीरंदाजी में खिलाड़ियों का ट्रायल चयन प्रतियोगियों की गई है। इस खिलाड़ियों का चयन जम्मू कश्मीर में 21 से 29 मार्च तक होने वाली राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के करीब 50 जिलों से लगभग 300 प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिसमें महिला एवं पुरुष। इस प्रकार से आज ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है कस्बा गोवर्धन, क्या कुछ कहना चाहोगे, कौन सी प्रतियोगिता है, क्या कुछ कहोगे? आज गोवर्धन में बड़ा हर्ष का दिन है कि आज उत्तर प्रदेश के सीनियर सेक्रेटरी के हमारे प्रतियोगिता के आर्थरी के खिलाड़ी आए हुए हैं और आज इन खिलाड़ियों की प्रतियोगिता का चयन हो रहा है जो 21 तारीख से 29 तारीख तक जम्मू कश्मीर में जम्मू में प्रतियोगिता होगी, उसका ये ट्रायल चल रहा है आज। तो जहाँ से जो सिलेक्शन होगा उनकी टीम बना के नेशनल में खेलेगी? जी, जो आज यहाँ जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। कहाँ कहाँ से यहाँ खिलाड़ी आए हैं? आज पूरे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं।